तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि आप अपनी फोटोशॉप की थंबनेल कैसे बनाते हो, या फिर आप फोटोशॉप यूज़ कैसे करते हो, हम कैसे फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक फोटोशॉप कैसे यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे कमेंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टोटली 10 मिनट्स ही है। इसके अंदर आपको फोटोशॉप के बारे में अच्छी खासी बेसिक नॉलेज हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज करेंगा एंड यू आर वाचिंग टेक टुडे। पंटाई मित्रों, अच्छे वीडियो आने वाले हैं, प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स देखिए, ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बार, सेकेंड टूल बार, थर्ड कलर पैनल, फोर्थ लेयर पैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सिंपल एक डॉक्यूमेंट लेना है इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट लेने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल इंक्रीज कर दीजिए या न्यू विंडो आ जाएगी, या फिर फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए। मैं से ओके करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें चाहिए कुछ भी कर सकते हैं, शेप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइप की, उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक फोटो लेके दिखाता हूँ इसके अंदर आप फोटो कैसे, आपको अगर कोई भी फोटो ट्रैक करनी है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ से आप फाइल ओपन भी कर सकते हैं, कोई भी इमेज आपको अगर चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वो ओपन हो जाएगी, या फिर आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं और इमेज को आप चाहें तो इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे इमेज को ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। तो फ्रेंड्स, चलिए टूल बार से शुरू करते हैं। ये तो ऑप्शन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट टूल बार। तो फ्रेंड्स, टूल बार में सबसे पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल बेसिकली वर्क आता है फोटो को मूव करने के लिए या फिर कंट्रोल्स के लिए। जैसे आप इसमें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स कर देंगे तो आप इसे कभी भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये लेयर होती हैं, ये भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, इसमें मल्टीपल लेयर्स का आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, हमने एलिप्टिकल मर्की टूल। और भी इसके अंदर रेक्टेंगल टूल वगैरह वगैरह है इसके अंदर। इसके अंदर यूज सिंपल है इसका, आप इसे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं, तो इसको आप कलर फिल करने के लिए आपने न्यू लेयर ले ली, यहाँ से आप न्यू क्लिक करके लेयर ले सकते हैं। देखिए न्यू लेयर आ गई, और उसको बैकग्राउंड कलर आपको फिल करना है तो सिंपल आपको ऑल्ट बैक प्रेस करना है या कंट्रोल बैक प्रेस करना है, तो आपकी यहाँ पे जो हाईलाइट कलर हो रहे हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करके कोई कलर लेता हूँ, जैसे रेड कलर ले लिया मैंने, अब मैं इसे ऑल्ट बैक करूँगा तो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। और इसमें एक और अच्छी बात, ये देखिए ये न्यू सेपरेट लेयर है, क्योंकि आपने यहाँ पे न्यू लेयर लिया था तो सेपरेट है। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट पे क्लिक कीजिए। आपका थर्ड टूल है यहाँ पे लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। बेसिकली ये फ्रेंड्स सिलेक्शन के काम आते हैं। अगर आपको रफ सिलेक्शन करना है तो आप लासो टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आपने जहां माउस छोड़ा है वहां सिलेक्ट कर देगा। रिमेंबर दिस, यहां पे सिलेक्ट हो रहा है, मैं बहुत ही रफ सिलेक्ट कर रहा हूं। आप आराम से इत्मीनान से कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं सिलेक्शन को चाहूँ तो कंट्रोल जी करके आपका ये न्यू सिलेक्शन आ जाएगा अलग से। देखिए, तो ये फ्रेंड्स इसी के काम आता है। और भी इसके अंदर दूसरे सिलेक्शन टूल है, जैसे पॉलीगन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सिलेक्शन टूल है, क्योंकि पॉइंट वाइज आप इसमें माउस को थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, ये आपको स्टेप वाइज सिलेक्ट करता है, आप जहाँ क्लिक कर देंगे वहीं आपका मोड या फिर टर्न या फिर पॉइंट बना देगा। और आप इस तरीके से पूरा इसे बारीक तरीके से आप इसको कंट्रोल प्लस कीजिए, जूम हो जाएगा आपका, और जूम करने के बाद और आप अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसे क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। अपने फोर्थ टूल पर चलते हैं। फोर्थ टूल, ये बेस्ट टूल है, इसे हम कहते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। इसका मैजिक क्या है, ये किसी एक कलर को पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेता है आपके पूरे इमेज के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हो, आपका पूरा एक कलर एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। देखिए ये कितना शार्प सिलेक्शन किया है। देखिए, अब ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब मैं इसे कंट्रोल जे करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये इमेज आपका अलग से आ गई है। ये है क्विक सिलेक्शन टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर आपको जैसे एक ही बार में सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को, ये देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे पार्ट्स को सिलेक्ट करता है एक बार में, ये देखिए बट आपके डॉक्यूमेंट में जितने एक से कलर होंगे ये उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन बढ़िया करेगा। देखो फ्रेंड्स, आपने इसको कंट्रोल जे कर दीजिए या कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दीजिए, देखिए आपका ये इमेज अलग से आ गया और ये उससे अच्छा ही सिलेक्शन था थोड़ा सा। और फिर आप इसके पीछे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस,
ये है क्रॉप टूल। बेसिकली क्रॉप टूल तो आपको सबको पता है, आप क्लिक कीजिए, क्रॉप कीजिए, आपका इमेज डॉक्यूमेंट उतना ही क्रॉप हो जाएगा। सेकेंड फ्रेंड्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। फ्रेंड्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ज़्यादातर काम आता है डार्क सर्कल्स या फिर आपका सिंपल कोई भी पिंपल वगैरह हटाने के लिए या फिर कोई स्पॉट हटाने के लिए। जैसे ये फोटो है और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए है मैजिक, ये देखिए, ये देखिए। और पैच टूल देखिए यार है, अगर मुझे आँख यहाँ लगे क्या नहीं है, सिंपल मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, सिलेक्शन को ड्रैग करूंगा, जिस एरिया पर ड्रैग करूंगा वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बहुत ही अच्छे से यूज़ है। फ्रेंड्स, ये है ब्रश टूल, आप इससे सिंपल कलर कर सकते हैं, ये देखिए जिस भी कलर का आपको करना हो, जो आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक उस कलर का हो जाएगा। अब ये लाइन क्यों आ रहा है, बड़ा क्यों नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे अलग अलग ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लस उसकी हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, देखिए। और फ्रेंड यहाँ पे आए थे हम सीधा क्लोन स्टैम्प पे, ऑल्ट प्रेस करना है, उस जगह पे क्लिक करना है, ये देखिए जहाँ जहाँ आपका सेकेंड पॉइंट मूव करेगा वो हिस्सा आपका यहाँ पे ड्रॉ होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ये देखिए। आपको न्यू हिस्सा करना है, आप उस पर ऑल्ट ब्रेक कीजिए, ये देखिए। इरेज टूल फ्रेंड्स, ये है आपकी इरेजर अच्छी खासी, ये आपको जो आपका बैकग्राउंड में कलर होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे कलर है, इसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं, इसे फॉरग्राउंड कलर कहते हैं, तो इरेजर आपका वही कलर ले आएगी जो बैकग्राउंड में है। अगर मैं इसे येलो पर क्लिक करूँगा, मैंने रेड पर क्लिक करा, ओके किया, तो देखिए इरेजर रेड कलर की हो गई। और यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट कलर, मैं बहुत ही बेसिक सिलेक्शन कर रहा हूँ केवल दिखाने के लिए, सिंपल अच्छा भी उसमें हो सकता है। देखिए अब मैं अगर इसमें ग्रेडियंट करूँगा, मैंने कंट्रोल शिफ्ट न्यू ले ली, और आपको इसके बैकग्राउंड में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दीजिएगा, ये ठीक है फ्रेंड्स। और भी इससे अलग 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 कलर हैं, आप कलर पैनल पर क्लिक करके, जैसे देखिए ये 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 इस टाइप से, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और भी इसके अंदर टूल्स हैं, पेंट बकेट टूल, जैसे आपको एक बार में पेंट करना है उसे पूरे डॉक्यूमेंट को, तो आप पेंट कर सकते हैं या पूरे हिस्से को इस तरीके से, ये देखिए एक पर्टिकुलर कलर को वो एक बार में पेंट कर देगा। चलिए दूसरे चलते हैं, ये है फ्रेंड्स सिंपल आपका ब्लर टूल। ब्लर टूल यूज होता है बेसिकली किसी ब्लर, तो आप जानते हैं किसी चीज़ को ब्लर करने के लिए, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ब्लर हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके ब्लर, जैसे आपको अगर कोई फोटो ऐड करनी हो, प्रोफाइल वगैरह लग रही हो। दूसरा फ्रेंड्स इसके अंदर है शार्पन टूल। शार्पन टूल ब्लर टूल ब्लर कर देता है, शार्पन टूल उसे थोड़ा सा क्लियर कर देता है, उसकी एजेस को शार्प कर देता है। फ्रेंड्स आपका इसके अंदर नेक्स्ट टूल है डॉस टूल। फ्रेंड्स डॉस टूल किसी भी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने का काम आता है, जैसे आपको अगर कोई कलर को हाईलाइट करना हो, कलर को इवन अगर आप किसी और कलर पर करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाए, आप उस पर क्लिक करके इसका पॉइंटर थोड़ा सा कम कर दीजिए, देखिए यहाँ पे इसकी आँख थोड़ी सी हाईलाइट हुई। और सेकेंड उसमें बर्न टूल, जैसे ये हाईलाइट करता है तो ये बर्न टूल आपके उस एरिया को डार्क करता है या आप कह सकते हैं जलाता है, तो देखिए फ्रेंड्स। और भी इसमें आप यूज़ करके देख लीजिए। स्पॉन्ज टूल, ये आपका उस एरिया की जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा सा कम कर देता है, ये देखिए यहाँ पे इसके पहले देखिए ये येलो थे, अभी थोड़े थोड़े डार्क हुए हैं। फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट टूल आता है पेन टूल। पेन टूल फ्रेंड्स एक सिलेक्शन के ही काम आता है, आप यहाँ पे पॉइंट्स बना के उसको, जो प्रोफेशनल सिलेक्शन करने वाले होते हैं जिनको जो बहुत ही ज़्यादा बारीक सिलेक्शन करना होता है वो इसका यूज़ करते हैं। आप पेन टूल से पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से पॉइंट्स बनते जाते हैं और उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करके आपका पाथ बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ मेक सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे आप मेक सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन बन जाएगा, मूव टूल से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अब ये भी टूल अलग अलग है इसके, पेन टूल के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये है सिंपल टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आपको जो भी लिखना हो आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर, हेलो हाउ आर यू, इस टाइप से। वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजेंटल टाइप टूल यूज़ करके देखिएगा, अच्छा टूल है। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में आपका शेप्स आ जाएंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हार्ट की शेप है, ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ हो गई। कलर करने के लिए अब ये ऑल्ट ब्रैक प्रेस नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी सिंपल लेयर नहीं है, बट ये शेप्स है क्योंकि शेप्स का अलग अपना वो होता है, शेप्स कभी भी आपका रेजोल्यूशन नहीं कम होता उसका, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और भी फ्रेंड्स इसके अंदर टूल हैं, शेप टूल के अंदर आप शेप्स मिल जाएंगी, पॉलीगन टूल, एलिप्स टूल, ये आप यूज़ करें। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा टूल है
हैंड टूल। हैंड टूल को फ्रेंड्स ज़्यादातर वो काम आता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी साइज का हो गया, अब आपको डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना है, जैसे कंट्रोल प्लस करके आपने जूम कर लिया इसे, अब आपको डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना है तो आप हैंड टूल से कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है एच। और भी इसमें रोटेट वर्टिकल टूल, जैसे आपको इमेज को रोटेट करना है गोल गोल रहने के तरीके पानी। तो फ्रेंड्स आपका लास्ट टूल है जूम टूल। जूम तो आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करेंगे, शॉर्टकट यूज करो यार, बार बार क्या क्लिक करोगे उसके ऊपर। कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। और फ्रेंड्स ये आपकी कलर प्लेट्स, बेसिक आपका फोटोशॉप क्लियर हो चुका है, लेयर आपको समझ में आ गई, सारे टूल्स आपको समझ में आ गए। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ढंग से, और किसी भी टूल को बिना प्रैक्टिस किए मत छोड़ना। और बाकी इसमें लेयर टाइप सिलेक्शन फिल्टर बहुत अलग अलग है, क्योंकि वीडियो तो यार बहुत लंबी बन जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लाइक लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब फ्री होता है, तुम लोग कर सकते हो, सब्सक्राइब में एक रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।